सो हेलो एंड वेलकम गाइस। सो गाइस यार कैसे हो यार आप सभी लोग मेरे भाइयों। तो भाई यार आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरे कुछ करियर रिजल्ट, तो देख ही लो यार यहाँ पर मेरा कितने का प्लस लगा है आज। तो मतलब मैंने धीरे धीरे करके कैसे भी माइनस को रिकवर किया और फाइनली A*1 पर मैं आ ही गया। मेरी आज जब मैं स्कूल से आया था 12 बजे, उस टाइम पर मेरी 6000 कुछ रैंक चल रही थी, पर लेकिन भाई मैंने घिस घिस करके यहाँ पर अभी 5000 कुछ रैंक कर दी अपनी। सो गाइस सर देखो अभी तक आपका करंट ईयर क्या चल रहा है मेरे को कमेंट करके बताओ। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करो। और देखो अभी यहाँ पर मैं जा रहा था जोन के अंदर। जोन के अंदर क्या मैं किसी एज को ढूंढ रहा था। सो गाइस यहाँ पर मेरे को एक हैकर मिल जाता है, तो मैंने भाई पता नहीं क्यों गाड़ी रोकी। मैं चाहता तो यहाँ से निकल सकता था, पर लेकिन मेरे को थोड़ा सा हैकर भी नहीं लगा था क्योंकि जो उसका स्टार्टिंग का स्प्रे था वो मेरे को कनेक्ट नहीं होता। दूसरी वाली जो स्प्रे दिया उसने वो थोड़ा सा चिपकता है, मतलब चिपकता है कैसे बता रहा हूँ, तो दीवार के आर पर मारने की ट्राई की गई उस बंदे के द्वारा मेरे को। तो अभी देखो यहाँ पर मैंने सोचा मेरे को वहाँ से बिल्कुल भी एंगल नहीं मिलेगा, मैं वहाँ से उसको बंदे को नहीं मार पाऊँगा, बालकनी से खड़ा होकर बिल्कुल भी नहीं मार पाऊँगा क्योंकि सामने की तरफ ये पेड़ आ रहा था मेरे। तो फिर मैं यहाँ ऊपर की तरफ आ जाता हूँ बस उस बंदे के ऊपर एंगल बनाने के लिए। और आपका टीयर क्या चल रहा है दूसरी बार बोल रहा हूँ ये बता देना मेरे भाई, और स्टैट्स के बारे में भी थोड़ा बता देना। सो गाइस मैंने इसके टीममेट के ऊपर ज़्यादा देर तक स्प्रे इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा और स्प्रे लेता ना मैं बेशक उसको नॉक कर देता, पर लेकिन भाई ये जो हैकर था ये मेरे को इजीली फिनिश कर ही देता भाई यहाँ पे। तो यार देखो मैंने यहाँ पर नेड फेंका सबसे पहले तो एक, और मैंने आज एक बात ध्यान नहीं रखी, मैं यहाँ पर थोड़ा हाई ग्राउंड एडवांटेज है मेरे पास अच्छा खासा, तो मेरे को ऐसा नहीं फेंकना चाहिए कि नेड में बहुत ज़्यादा दूर फेंक रहा हूँ, या फिर ऐसा नहीं मैं थोड़ा सा ऊपर हूँ तो मेरा नेड इसलिए इजीली जा सकता है वहाँ पर, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा तेज़ भाग करके फेंक रहा था इसलिए मेरा नेड वहाँ पर नहीं जा रहा था। तो कोई बात नहीं, अभी देखो वो बंदे स्मोक करके ओपन से पुश करना चाह रहे थे मेरे ऊपर। एंड गाइस देखो मैं किस तरह से उन बंदों को भरता हूँ भाई, मतलब गलत ही मार दिया यार इन बंदों को तो मैंने। सो गाइस देखो यहाँ पर मैंने इन दोनों बंदों को बहुत ही ज़्यादा इजीली फिनिश कर दिया था। स्टार्टिंग में जो हैकर आ रहा था जब ये बिल्कुल मेरे पेड़ मतलब घर के नीचे आने ही वाला था, पर लेकिन ये बंदा फिर रिलोड करने लगता है और इसको लगा होगा अब तो मैं कवर में आ गया हूँ, ईजिली कवर में चला जाऊँगा और ये बंदा मेरे को मारेगा भी नहीं। पर लेकिन मेरे को एक बात की पता थी, जो स्टार्टिंग में जो बंदा आ रहा है अगर मैंने इसको नॉक कर दिया तो ईजिली मैं ये फाइट जीत जाऊँगा क्योंकि जो हैकर होगा यही होगा जो मेरे ऊपर इतना चोट में पुश कर रहा था। सो गाइस देखो अब उसके बाद मैं जा रहा था सामने की तरफ, मतलब जोन के अंदर जा रहा था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं जोन के अंदर जाऊँ तो जाऊँ कहाँ पर। और ये गेम प्ले तो कुछ भी नहीं है मेरे भाई, इससे आगे वाला गेम प्ले इतना ज़्यादा खतरनाक है ना, मतलब मेरा टीममेट मेरे को हैकर बोलने लग गया था, खैर रैंडम टीममेट था वो। तो मैं यहाँ पर एज पर आ जाता हूँ उस वाले घर की, और यहाँ पर मैं इतनी सारी गाड़ियों को देख रहा था तो थोड़ा बहुत मेरे को यहाँ पर शक हो रहा था कि भाई शायद से यहाँ पर बंदे हो सकते हैं क्योंकि देख सकते हो सामने मैकलेरन खड़ी है और भाई यहाँ पर डासिया डूसिया सारी गाड़ी खड़ी थी भाई। सो गाइस देखो मैं यहाँ पर होल्ड कर रहा था, सामने की तरफ से जोन आ रहा था और सामने की तरफ वो बंदे मेरे को दिख भी जाते हैं। एंड गाइस मैं सच बता रहा हूँ अगर आपका एक बार डीपी के साथ चोक हो जाता है ना तो स्प्रे देना बिल्कुल बंद कर दिया करो, क्योंकि अगर आपका एक बार चोक हुआ ना डीपी में तो जल्दी से वो ठीक नहीं होता यार। तो गाइस देखो उसके बाद वो बंदे पता नहीं डायरेक्टली कहाँ पर निकल गए थे, मेरे को कुछ भी नहीं पता थी और मेरा को किल भी कंफर्म नहीं हुआ था मेरा। सो गाइस देखो अब मैं यहाँ पर हर जगह पर देख रहा था स्पॉटिंग कर रहा था, मेरे को सामने की तरफ एक बंदा स्पॉट भी होता है। एंड गाइस यहाँ पर मेरे को नहीं पता ये बंदा हैकर था या फिर क्या था, अगर हैकर होते ये बंदे तो इजीली मेरे को फिनिश कर देते वहाँ पर, मेरे को पता इनको पता लग जाती पीछे की तरफ बंदा है और ये आराम से जोन के अंदर चले जाते मेरे को ठेला विला करके। तो यहाँ पर देखो 7 का प्लस लगता है इस गेम में मेरा, और ओपन में तो बिल्कुल भी नहीं आते ये बंदे मेरे को देख लेते अगर। सो गाइस देखो अब उसके बाद हमने स्टार्ट कर लिया था ये वाला गेम, और बस ये वाला गेम देखो भाई क्या ही खतरनाक होने वाला था। और भाई अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो मेरे भाई, मुझे समझ नहीं आता आप सभी लोग वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हो। तो अभी देखो जब हम जा रहे थे सामने की तरफ तो मैं ऐसे ही फालतू में बस स्कोप खोलकर देख रहा था, तभी राइट की तरफ
एक बंदा स्पॉट हो जाता है। और जब मैं यहाँ पर आता हूँ थोड़ा सा क्लोजली, तो मेरे को सामने की तरफ से मिनी मैप में फुटस्टेप आने लग जाते हैं, और मेरे को भाई मतलब साउंड भी आ गई थी यार थोड़ी सी बंदे की। एंड गाइस फिर लास्ट की सिर्फ ये दो, मतलब लास्ट का ये बंदा बचा था भाई, मतलब जीरो एफर्ट क्लच भाई, या फिर कह सकते हो मतलब जीरो एचपी क्लच एक तरह से, क्योंकि यार एक भी एचपी नहीं गई मेरी वहाँ पे। तो कोई बात नहीं, इस बात को छोड़ो अभी। यहाँ पर हम जा रहे थे जोन के अंदर किसी एज ढूंढने के लिए, कोई अच्छी सी एज मिल जाए अपने को, पर लेकिन लेफ्ट की तरफ कुछ बंदे थे जो कि मेरे टीममेट मार्क करके बताता है। लेफ्ट में यूएस थी, और मैं आपको बता देता हूँ ये रैंडम टीममेट है, मुझे नहीं पता ये हैकर है फिर नहीं है। और लास्ट में मैं आपको दिखा भी दूंगा सारे स्टैट विस्टैट, ये मेरी फ्रेंड लिस्ट में भी नहीं है बंदा। एंड गाइस आपको ये क्लच कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बताओ। एंड गाइस देखो जब यहाँ पर इस बंदे को भी फिनिश करा है तभी सामने से M249 पड़ती है, और अभी हमने यहाँ से मतलब थोड़ी सी हील करी और डायरेक्टली हम जोन में चले गए। तो टीममेट का रिएक्शन देखना बस मेरे यहाँ पर, और मैं बताऊँगा भाई, देखना बस मेरे टीममेट का रिएक्शन क्या ही बोल रहा था मेरे को हैकर होकर। एंड गाइस देखो मैं अपने टीममेट का ज़्यादा तो रिएक्शन दिखा नहीं सकता, मतलब मेरे को 10-20 मिनट की तो वीडियो बनानी नहीं है, मेरे को मतलब 8 मिनट तक की वीडियो बनानी है, ताकि आप सभी लोग का मेरे भाई लोग का टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा। तो यार देखो अभी उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, सिर्फ यहाँ पर आने का रीज़न ये था, अभी जोन आ ही रहा था पीछे की तरफ से थोड़ा थोड़ा, और यहाँ पर हम वेट कर सकते थे, सामने की तरफ से बंदे भी आ सकते थे। एंड गाइस देखो यहाँ पर ऐसा होता भी है, सामने से बग्गी आती है, पर लेकिन जो बंदा आता है वो हैकर था, और मैं देखो उसको किस तरह से फिनिश करता हूँ। एंड गाइस देखो ये बंदे को मैंने फिनिश कर दिया था, और अगर आपको नहीं लगता कि भाई ये हैकर था तो कोई बात नहीं, मैं लास्ट में पूरा प्रूफ दे दूंगा भाई, जोड़ प्लेयर था यार, कोई बात नहीं, मैं लास्ट में सब कुछ दिखा दूंगा आपको। एंड गाइस जोन कुछ इस टाइप का बना था कि मतलब ब्रिज के ऊपर ही जोन बार बार बनता गया, और सामने हैकर जिस तरह से फाइट ले रहे थे, मतलब है कितना ज़्यादा पक्का था उनका, या फिर स्ट्रॉन्ग कुछ भी कह लो, कि भाई मैंने स्प्रे लेने की ट्राई करी सर, और मेरे को भी उसकी गोलियां कनेक्ट होती है थोड़ी बहुत, पर लेकिन लास्ट वाले वो बंदे जो थे हैकर जो थे एक दूसरे से फाइट करके फिनिश हो जाते हैं वहाँ पर। और आप देख सकते हो यहाँ पर ये बंदा जैसे मरा ना, मतलब भाई डायरेक्टली ये ऑफलाइन ही हो गया यार, क्या ही बोलो, उसके 6 की गेडी है भाई डुओ में। सो गाइस सर आज की आपको वीडियो कैसी लगी जल्दी से कमेंट करके बताओ, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करो और कमेंट तो कर ही दो मेरे भाई, तब तक के लिए बाय बाय, मिल लगे इस वीडियो के साथ, और नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करो, और कोई भी ये स्पैम मत करने लग जाना भाई, तू हैकर के साथ खेला है देख लो भाई, ये बंदा मेरी फ्रेंड लिस्ट में भी ऐड नहीं है।